हेलो गाइस, हमने पिछले पार्ट में उदासीनी कण अभिक्रिया तक किया था। उसके बाद आता हमारे पास पी स्केल का उपयोग, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसका? मनुष्य है, कोई भी मनुष्य है, अगर वो कार्य करता है तो उसके शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7.0 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति वो कार्य कर पाएगा। इसी का हमारे पास दूसरा प्रयोग आता है, अम्लीय वर्षा के रूप में। अम्लीय वर्षा, इसमें हम क्या करेंगे, जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा करेंगे, चाहे बीकर में इकट्ठा कर लो या फिर दूसरा जो यूटेंसिल बर्तन है उसमें इकट्ठा कर लो। उसमें हम क्या करेंगे, जो पीएच स्केल है उसको डुबो कर देखेंगे। अगर पीएच मान हमारे पास 5.6 से कम आ जाएगा तो उस स्थिति में हमारे पास जो वर्षा होगी वो कौन सी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। इसका तीसरा उपयोग आता है हमारे पास दंतक्षय में। जो मनुष्य के दांत हैं उनका जो इनेमल है वो कैल्शियम फोस्फेट से मिलकर बना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? Ca3PO4 की ट्वाइस। वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो माना गया है। लेकिन जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो दंतक्षय है वो हो जाएगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शारकीय दंत मंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका हमारे पास चौथा आता है, पौधों एवं पशुओं से आत्मरक्षा। पौधों एवं पशुओं से आत्मरक्षा, पौधों में हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, नेटल का पेड़। नेटल का पेड़ हमारे पास, नेटल का पेड़ के संपर्क में जब हम जाएंगे तो ये क्या करेगा, मेथेनोइक अम्ल है वो छोड़ देगा। मेथेनोइक अम्ल छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, पीड़ा होगी और जलन है वो भी महसूस होगी। और इससे छुटकारा पाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से हम पशुओं का एग्जांपल ले लेते हैं। पशुओं में हमारे पास आ जाएगा जो मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी जब काट लेती है तो एक अमल है वो छोड़ती है, जिसका नाम क्या हमारे पास था, फॉर्मिक अमल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCOOH आ जाएगा। जब मधुमक्खी हमें काटेगी तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से जलन भी होगी और पीड़ा भी होगी, और वो किसके कारण होगी, केवल और केवल फॉर्मिक अमल हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हो जाएगा उसके कारण होगी। और इससे भी छुटकारा पाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास मेन रिएक्शन है भी आती हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी क्लोरसार प्रक्रिया। इसमें हमारे पास एक तो क्लोर किसको दर्शाएगा, ये क्लोरीन को। क्षार किसको दर्शाएगा, क्षारक को दर्शाएगा। तो इसमें हमारे पास जो उत्पाद है इसके रूप में हमारे पास एक तो क्षारक बाहर निकलेगा, क्षारक हम मेनली यूज करते हैं NaOH का, प्लस में दूसरा हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन है वो भी बाहर निकलेगी। तो क्लोरीन का हम Cl2 है वो यूज करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन है वो भी बाहर निकलेगी। और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो विद्युत धारा की उपस्थिति में होगी। तो देखो, इनके हम अभिकारक यहाँ से ही निकालेंगे, NaOCl मिलकर क्या बना देता है हमारे पास NaCl, प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब इसको संतुलित भी करना पड़ेगा, संतुलित आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, इन दोनों को छोड़कर आप क्या करोगे, सीधा सभी के आगे क्या यूज कर लोगे, दो दो यूज कर लोगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास एक तो क्षारक की प्राप्ति होती है और एक क्लोरीन की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्लोरसार प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा आता हमारे पास किसके बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी डाई क्लोराइड। और सामान्यतः हम इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, हमारे पास शुष्क बुझा हुआ चूना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH की ट्वाइस, प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें हम क्लोरीन जोड़ देंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास किसकी प्राप्ति हो जाएगी, विरंजक चूर्ण की, क्या हो जाएगा, CaOCl2। प्लस में देखो यहाँ से Ca हो गया और एक O निकल गया और Cl2 है वो कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल, क्या रह गया था, H2O। और यहाँ पर हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा, H2O। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी,
जब शुष्क भुजा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास किसका निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। इसके बाद तीसरा आता हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला आता है NaHCO3 और इसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्राप्ति हम किस प्रकार से करेंगे, इसी में से हम अभिकारक है उसका निर्माण करेंगे। जो Na है वो हमारे पास कहाँ पर प्रयोग हुआ है, नमक के फॉर्मूले में NaCl में, प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में हुआ है, H2 यानी जल के फॉर्मूले में। प्लस में ऑक्सीजन निकालते यहाँ पे क्या पेंडिंग रह गया, CO2। प्लस में N यहाँ से लो, H यहाँ से NH हो गया और लास्ट में 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, NH3। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और इन सभी अभिकारक के परिणाम स्वरूप हमारे पास किसकी प्राप्ति हो जाएगी, बेकिंग सोडे की, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। प्लस में अब देखो क्या कुछ रह गया, Na हमारे पास कंप्लीट हो गया है, इसी प्रकार से एक H यहाँ पर पेंडिंग है और जो CO2 है और एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH3, ये कंप्लीट यहाँ पर पेंडिंग है और Cl है वो भी हमारे पास कंप्लीट पेंडिंग है। तो ये जो हमारे पास NH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4। और NH4 के बाद हमारे पास एक Cl है वो भी पेंडिंग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH4Cl। इस प्रकार से हमारे पास किसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडे का। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे हमने कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल किया और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास बेकिंग सोडे की प्राप्ति हुई है। इसके बाद इसी का हमारे पास दूसरा पार्ट आता है, जो बेकिंग सोडा है उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। बेकिंग सोडे का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, NaHCO3। गर्म करने के लिए डेल्टा, कोई भी चीज़ है उसको हम गर्म करते हैं तो भाप के रूप में जल है वो बाहर निकलता है। इसी के साथ साथ क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी बाहर निकलती है। अब यहाँ पर तो H2 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे दो लगा देंगे। और दो लगाने के बाद अब हमारे पास जो भी कुछ पेंडिंग है उसका फॉर्मूला हम बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2Na। किसकी फॉर्म में आ जाएगा, Na2 की फॉर्म में। CO3 था, वे हमारे पास दो थे, एक तो हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पर और एक और पेंडिंग है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Na2CO3। इस प्रकार से जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। इसके बाद हमारे पास आती है एंट एसिड अभिक्रिया। एंट एसिड होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए उसको उदासीन बनाने के लिए हम एक सारक का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एंट एसिड। और एंट एसिड के रूप में हम या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2, या फिर हम दूसरा प्रयोग करते हैं NaHCO3 यानी बेकिंग सोडे का। तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडे की अभिक्रिया करवाएंगे NaHCO3। पेट के अंदर हमारे पास कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मींस HCl अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, Na यहाँ से और Cl यहाँ से यानी नमक का निर्माण कर देगा। प्लस एक H यहाँ पर था, एक H यहाँ पर, H2 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से H2 निकल आएगा। और H2 निकलने के बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ पर क्या पेंडिंग रह गया हमारे पास, CO2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका प्रयोग हम एंट एसिड के रूप में करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास लवण की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है धावन सोडा। धावन सोडे का हमारे पास फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसकी प्राप्ति किस प्रकार से करेंगे, हमने जो बेकिंग सोडा उसको गर्म किया था, गर्म करने के परिणाम स्वरूप हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति हुई थी। इसका हम पुनःक्रिस्टलीकरण कर देंगे, पुनःक्रिस्टलीकरण करना मीन्स जल के अणुओं को जोड़ देना। तो हमने यहाँ पर 10 जल के अणु है उसको जोड़ दिया है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास किसकी प्राप्ति हो जाएगी, धावन सोडे की, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी प्राप्ति किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास जिप्सम है CaSO4 डॉट 2H2, ये फॉर्मूला जिप्सम का होता है। इसको हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तापमान पर गर्म करेंगे। गर्म करने के परिणाम स्वरूप हमारे पास किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ब्लास्ट ऑफ पेरिस की, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसके साथ साथ क्या जाएगा, डेड हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 है वो बाहर आ जाएगा। डेड को आप 3/2 है वो भी लिख सकते हो। अगर देखो हमने जिप्सम की प्राप्ति करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें यदि है ना जल को मिला दिया जाए या फिर ये नमी के संपर्क में आ जाए तो हमारे पास इसके परिणाम स्वरूप किसकी प्राप्ति हो जाएगी, CaSO4 डॉट 2H2O, जो हमारे पास क्या बोला जाएगा, जिप्सम बोला जाएगा। गाइज यहाँ पर हमारे पास लेसन नंबर 2 है वो समाप्त होता है। ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहे बावलिया एजुकेशन के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।